प्यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। मुझे सिर्फ इतना बता दे, आपने ऐसा क्यों किया? क्या मिला ये करके? क्या मैं मर गया था? क्या मुझे वापस नहीं आना था? क्यों निकाला उसे ऐसे धक्के देके? अरे 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 अरे, माँ खराब हो रहा लड़के तुम्हारा है। अरे दो घड़ी को मैं घर से बाहर क्या चली गई? भर दिया उसने तुम्हारे कान। मतीन, वो गलत समझ रही है। डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। डॉक्टर ने तो नॉर्मल मेडिसिंस दी हैं मुझे। वो गलत समझ रही है मतीन। डॉक्टर ने जो भी कहा, जो भी मसला हो, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। नहीं नहीं, डॉक्टर ने तो, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब थी, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मैं बांझ बहू अपने घर ब्याह के ले आई। बात यह है सारी। ये क्या कह रही हो नसीम? वो कौन पागल डॉक्टर थी जिसने पहली दफा चेकअप पर ही ऐसा कह दिया? कहीं और से चेकअप करवाओ। वो तो पागल थी या नहीं थी, मैं पागल नहीं हूँ कि मैं सारे जमाने में नशर करती फिरूं कि देखो भैया हमारी बहू बांझ है, बांझ है, बांझ है। ये सर्टिफिकेट मैं सारे जमाने को दिखाऊं, तमाशा लगाऊं अपने खानदान का, है ना? प्यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। मतीन, क्या हुआ? आ रहा हूँ। अरे खोलो जल्दी। सुबह सुबह आ रहा हूँ, जल्दी खोलो। फजर का वक्त गुजरता चला जा रहा है, कोई फायदा नहीं होगा। जल्दी खोलो। राबी को उठाओ। उठ गई शाबाश। अरे मैं तो अलार्म लगा के सोई थी ताकि भूल ना जाऊं। ये ऐसे गधे घोड़े बैठ के सो रही है। पीर साहब का पढ़ा हुआ पानी है, हमें याद है, इनको नहीं याद। उठो शाबाश। क्या कर रही है? अरे चुप करो एक सेकेंड। चलो, याद है ना पीर साहब ने कहा था ये फजर के वक्त सुबह, है ना? हैं? क्या सुबह? खामोश रहो तुम लड़के, तुम्हें क्या पता, न लेना ना देना। तुम अपने डॉक्टरी काम करते रहो, मैं तो ये करके रहूंगी। तुम्हारी नस्ल बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे कितने नफलों का सवाब है। चलो बिस्मिल्लाह। ये देखो, शाबाश राबी। बिस्मिल्लाह, ये लो। मैं अजीबो गरीब हरकतों में पड़ गई। अरे तुम चुप रहो, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं औरतों की बातों में। चलो राबी बेटे, राबी इधर देखो बेटे, सब अच्छा होगा ना? और यही इसकी निशानी है ना, ये काई आना इसकी निशानी। शाबाश शाबाश। चलो अब भले आराम कर लो। चलो, बल्कि फजर हो गई, उठ जाओ, उठ के नमाज पढ़ो। हुजूर इधर उधर की बातों में दिल लगाने से फायदा। चलो भाई। हाय चलो सो जाओ। अमिया, आप दोनों हर रोज अकेले क्यों शॉपिंग पर चली जाती हैं? किसी दिन राबी को भी साथ ले जाएं। बल्कि काम करें, उसकी सारी शॉपिंग जो है वो मेरी तरफ से। मैंने कर दिया है मतीन को फोन, वो उसे लेकर सीधा मार्केट आ रहा है। पहुंच जाएगा, चलो जल्दी करो, टेलर उठकर चला ना जाए। चलो। उसकी पसंद की सारी चीजें दिलवाना उसको। जी अम्मा, हम लोग जा रहे हैं। सारा बाजी की कॉल आई थी, मार्केट में बुलाया। रुको एक सेकेंड, आ रही हूँ मैं। कहाँ भागे जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मार्केट जा रहे। ये कौन सा वक्त है बाजार में फिरने का? है? और पीर साहब ने मना किया हुआ है, आराम से घर बैठो। यार, एक तो आपके पीर साहब ने ना मेरी जिंदगी बड़ी अजाब कर दी है। हर चीज पे पाबंदी लगा दी, आना जाना, खाना पीना। खबरदार, जो मेरे से चिढ़ के बात की, समझ आई? माँ हूँ तुम्हारी मैं। एक तो बगैर पूछे शुतर बे मुहार की तरह जहाँ मुँह उठाए निकल जाते हो। तुम्हारे लिए कर रही हूँ सब कुछ मैं, तुम्हारी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए, ताकि कल कला को तुम्हारे बाप का नाम तो चलाने वाला कोई हो। और तुम्हें इतनी समझ नहीं है। माँ ने कुछ नहीं सिखाया, टिक के बैठना नहीं सिखाया। जाओ बीवी, कमरे में जाओ। चलो शाबाश। पूछा ना गजा मोटा है, शुतर बेमुहार की तरह चल दिया। बड़े छोटे से इंसान पूछता है। तो अम्मा मुझे आपका ना समझ नहीं आता, आपको हो क्या जाता है? क्या मतलब है तुम्हारा हो क्या जाता है? तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हारी बीवी के भांजपन का इलाज करने की। अब ये ना हो कि ये ठिलाती फिरे, अपनी हरकतें दिखाती फिरे और सारा का सारा इलाज धरा का धरा रह जाए। होश करो, कुछ समझ आइए। शादी 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 की जो रट लगी हुई ना, क्या होगा इसमें? ये छमक छल्लो बन के, छैल छबीली बन के, चमकते दमकते कपड़े पहन के अपने कजनों के सामने अपनी अदाएं दिखाती फिरेंगी। इलाज भी खराब और नियतें भी। चलो जाओ। असलम भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने पूछा। अरे भाभी, इसमें शुक्रिया और मेहरबानी की क्या बात है? ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। देखो, अगर फजल भाई इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं हूँ ना। और देखें, इकबाल और मतीन में मैंने आज तक कोई फ़र्क महसूस नहीं किया। दोनों मेरे लिए एक जैसे हैं। जो भी काम हो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। भाई साहब, बाहर के तो सारे काम इकबाल देख रहा है, उनका तो मुझे नहीं पता। हाल बता, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। जी जी बोले। भाई साहब, वो आपको तो पता है बहनों को भाइयों की शादियों के कितने अरमान होते हैं। यही ढोलक, धूम धड़का, आना जाना, तैयारी। मैं भाई साहब, मैं ना राबी को कुछ दिन पहले लाना चाहती हूँ। अगर आप नसीम से कहें कि वो राबी को खुशदिली से भेज दे तो मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँगी आपकी। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, सौ बिस्मिल्लाह। देखिए, अगर आप चाहती हैं तो मैं राबी को आज शाम को यहीं छोड़ देता हूँ। नसीम क्या कहे, बस अगर आप चाहती हैं तो मैं कर देता हूँ। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। चाय पिए। शुक्रिया। ये क्या बात हुई असलम साहब, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? राबी को वहाँ कौन सी इसने देगे चढ़ानी है? हद कर रहे हैं आप भी। अरे कैसी बातें कर रही हो, एक ही तो भाई है, जाने दो उससे। तो हमने कहा था एक ही भाई हो, बिलावजी की बात है। और बात सुने, मतीन से तो इजाजत ली नहीं कि शौहर से बिना इजाजत के चली जाएंगी मुँह उठा के शुद्र बेमुहार। मतीन से मैं खुद बात कर लूंगा। राबी बेटा, इधर आओ, इधर आओ। तुम तैयारी करो, तुम्हारा भाई और तुम्हारी अम्मी तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, शाबाश, जाओ शाबाश जाओ। माशाल्लाह, देखो कैसी गोरी चिट्टी हो रही है। हाँ हाँ, और तुम देखो अपने आप। खबरदार जो मुझे रंग का ताना दिया। अच्छा ये दो काट, कोई जरूरत नहीं है, बस चुप बैठे रहे। ले आओ ले आओ ले आओ। आजो 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 आजो। अच्छा ठीक है, ठीक। यहाँ पर सारा सामान उतरवा दो, बस गाड़ी इधर ही लगेगी। गाड़ी यहाँ लगा दो, सामान सारा यहाँ पर लगवा दो। ठीक है, बस गाड़ी में खड़ी कर दो गाड़ी। हाँ, सामान आ गया। मतीन नजर नहीं आया, उसकी छुट्टी का मसला था, आ जाएगा अभी थोड़ी देर। चलो भी उतारो ना सामान, यहीं पे लगेगा सारा। मैंने बता दिया यहाँ पे सारा आएगा। की तैयारियों से जैसा लगे जैसे इसका शोरूम भी है। अम्मी ये ट्रे तैयार होगी, इसे कहाँ रखना है? हाँ अंदर रख दो, अंदर ले जाओ। अच्छा मतीन चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। बाहर मेहमान आए, मेरे को तमाशा नहीं चाहता। तुम जाओ यहाँ से। गुस्सा करने से पहले एक बार उसकी बात तो। ये मेरा और मेरी बीवी का मामला, तुम कौन होते बीच में बोलने वाले? सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसकी बात सुनो एक बार कि वो क्या कह रही है। उसने कहा ना जाओ यहाँ से, तो जाओ यहाँ से। पूरी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, सिर्फ तुमसे। किसी तीसरे का बीच में बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम। इधर रुकना जरा। मना किया था इतना मेकअप क्यों थोपा है मुँह? क्यों? वो शादी थी ना। अच्छा, शादी से भी दिल नहीं भरा तुम्हारा? और ये क्या है? ये क्या? पीर साहब ने मना किया था ना। किस लिए पहने थे? किस लिए पहने? जब कहा पीर साहब ने कि खुशबू से दूर रहना, क्या जरूरत है ये चढ़ा चढ़ा के रखने की है? क्या समझ नहीं आ रही? खुशी का मौका है नसीम, ऐसी खुशी का मौका जो मेरा घर वीरान कर दे, ऐसी खुशी से मुझे कोई लगाव नहीं है। क्या कर रही हो तुम ना बेटियां राबी के साथ? क्या चाहती हो? फूफू प्लीज आराम से, मेहमान बैठे हुए। क्या करे? सारे मेहमान बैठे हुए तो क्या करे? उनको भी तो पता चले। जो ऊपर से इतनी मीठी नजर आ रही है, अंदर से कैसी छुरियां हैं। वाह भैया वाह। अच्छा पता नहीं क्या चाह रही हो तुम माँ बेटियां। वैसे चाहोगी क्यों नहीं? बेऔलाद तो तुम भी हो। तुम कैसे चाहोगी कि तुम्हारी बहन के पास ये खुशी आ जाए? तौबा अल्लाह, दुश्मनी तो तुम कर रही हो लेकिन नजर मैं आ रही हूँ, दुश्मन भी मैं। हाँ भैया सब सुन ले भैया, मैं दुश्मन हूँ जो इतना इलाज करा। क्यों बाबेला मचाया हुआ है? अरे क्या बाबेला मचाया हुआ है? तुम्हारी माँ बहनों की करतूत बता रही हूँ मैं, तो अगली पिछली सब खोलूंगी। समझ आई तुम्हें? मैं तो इतनी चीजें दिल में लेके बैठी हूँ। बस कर जाए, मेहमान बैठे हुए हैं। क्या करूँ मेहमान आए में? डरती नहीं हूँ मैं किसी से। इन लोगों से क्या डरूंगी जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ? मेहमान आए में सबको पता लगना चाहिए हो क्या रहा है। अरे मैंने हजारों लाखों रुपए इलाज पे खर्च कर दिए लेकिन नहीं, हरकतें तो ये होंगी तो फिर कैसे मैं खुशी देखूंगी? कैसे? बस मैं कह रहा हूँ बस कर जाए, नहीं तो चली जाए यहाँ से। आपके बगैर शादी हो जाएगी मेरी। हाय मैं मर गई। हाय माँ देख रही हो अरे देख रहा तेरे ससुराल में माँ की कैसी इज्जत हो रही है। अरे जलील करने के लिए और कुछ नहीं रह गया था, मेरा भाई मर गया ना, आज ये जलालत भी होगी मेरे साथ। हमें नहीं चाहिए ऐसा घर। कौन जलील कर रहा है नसीम, तुम्हें कौन जलील कर रहा है? लो, अरे ये जलालत नहीं है क्या? गालियां देगा बड़ी बड़ी तो जलील होंगी मैं? नहीं भाई नहीं, चलो भाई चलो, अल्लाह रखे घर वाली हूँ मैं, शोहर वाली हूँ, रह लूंगी जाके वहाँ पे। और ये खुशियाँ तुम्ही को मुबारक हो। निकलो लड़की यहाँ से, हटाओ अपना हरारा फंसा रही हो मेरे पैरों में, निकलो यहाँ से। मुसीबत खाना अजाब, मैं तो कभी ना रुकूं यहाँ पे। अगर मेरी माँ इस घर की खुशी में शरीक नहीं है तो मेरे घर से कोई भी नहीं है। चलो राबी। कम बख्ती मारा, चार पैसे से मदद क्या कर दी। इकबाल की तो गर्दन ही सीधी नहीं हो रही, ऐसा सरिया डाला गर्दन में, तौबा अल्लाह माफ करे। इंतहाई बदतमीज, देखा किस कदर की बेइज्जती की है, तो वो भी तुम्हारे सामने, तुम्हारी ससुराल में। मुंह पे मार के आऊंगा वो पैसे उनके। आधे चुका चुका हूँ, बाकी भी चुका दूंगा। एक बात बताओ, ये राबी को साथ में घसीट के लाने की क्या जरूरत थी? क्या कहेंगे सब लोग कि सास ने बहू को भाई की शादी में शिरकत नहीं करने दी ठीक से, हुप्पी तो गई भाड़ में। क्यों? बीवी है वो मेरी, जब मैं वहां नहीं रुका तो उसे कैसे छोड़ा था? अजीब ही मनतक है तुम बाप बेटों की तो। मैं दफा गई हूं, हाला पानी। अरे हटो, पानी नहीं ऐसे दामाद के लिए बेटे से छुप कर आप घर बेचकर उसे दे रही थी। देखा मेहमानों के सामने कैसे इज्जत करके गया आपकी। बेटा दामाद तो दामाद होते हैं, लेकिन बेटियों की खातिर उनकी सहनी पड़ती है। ऐसे दामाद को क्या बोलूं अब मैं नहीं सहने वाला इसको। बेटा रिश्तेदार ऐसे शादी ब्याह के मौके पर ही तो अपना रंग दिखाते हैं। देखो हमें किसी और के लिए ना सही, लेकिन राबी की खातिर उसे मनाने के लिए तो जाना पड़ेगा। मनाने? उसको अपनी माँ प्यारी है ना, तो मेरी माँ भी किसी से कम नहीं है। कोई नहीं जाएगा यहाँ से मनाने के लिए उनको। नहीं इकबाल ऐसा मत कहो, तुमने देखा नहीं राबी का कैसे रो रो के बुरा हाल हो रहा था। मुझसे तो उसका चेहरा देखा नहीं जा रहा था। अपनी खुशी से इस दलदल में गिरी है, किसी ने धक्का नहीं दिया उसको। ठीक है वो गिर गई ना दलदल में, अब क्या तुम भाई होने के नाते किनारे पर बैठकर उसे दलदल में धंसता देखते रहोगे? बाहर नहीं निकालोगे उसे? सही कह रही है अम्मी, राबी के खातिर जाना तो पड़ेगा ना भाई। दो टोक बात करूंगा मैं फूफू से, कोई मिन्नत तल्ला नहीं करने वाला। आने आए, नहीं आना भाड़ में जाए। बिल्कुल ठीक है, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। देखो बेटा चक्की में हाथ फंस जाए ना तो उसे हिकमत से सलामत निकालते हैं, खींचने से टूट जाता है हाथ। जाओ बेटा मेरा बुर्का लेकर आओ जल्दी से। अच्छा सुनो बेटा, तुमने वहां जाकर कुछ नहीं बोलना, मैं जा रही हूं ना तुम्हारे साथ, मैं खुद बात करूंगी बस। बस बेटा घर बसाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। राबी जैसी फर्मा बर्दारी की तवक्को मुझसे कोई ना रखे। मेरे दिल में जो होता है ना मैं कह देती हूँ, दिल में कुछ नहीं रखती। औलाद हो जाए तो दूसरी बात, वरना अपना पत्ता साफ ही समझो। प्यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। सारे मेहमान बैठे हुए तो क्या करें, उनको भी तो पता चले। जो ऊपर से इतनी मीठी नजर आ रही है, अंदर से कैसी छुरियां हैं। औलाद तो तुम भी हो, तुम कैसे चाहोगे कि तुम्हारी बहन के पास ये खुशी आ जाए। अगर मेरी माँ इस घर की खुशी में शरीक नहीं है तो मेरे घर से कोई भी नहीं है। नसीम, रिश्तों में ऊंच नीच तो हो जाया करती है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि तुम इस तरह से शादी छोड़कर घर आ जाओ। झूठ मत बोलो साहब, झूठ मत बोलो। तुम कसम खाओ मैं खुद उठ के आई हूँ। ये तुम्हारे बेटे इकबाल ने मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाला है, उठ के आ गई। ऐसी बात नहीं है नसीम, अल्लाह ना करे कि उस घर से तुम्हें धक्के देकर निकाला जाए। बच्चा है, गलती हो गई, गुस्से में था। अब बैठा है ना, बैठा है तुम्हारे सामने, इसके कान खींचो, डांटो। फुप्पो तुम, तुम्हारा हक है इस पर। अल्लाह ना ही करते मैं इसकी फुप्पो होती। वाह वाह वाह, ये बच्चा इतना बड़ा घोड़ा बच्चा, इसको अकल होती अगर और मुझे फुप्पो समझता तो इस तरह से धक्के देके घर से बाहर निकालता। बदतमीज। गुस्सा थूक दो नसीम, समधन बनकर ना सही, फुप्पो बनकर इसकी खुशी में शामिल हो जाओ। भाभी आप फिक्र न करें, हम आएंगे, हम बिल्कुल आएंगे। घर के बच्चे की शादी है, इसकी खुशी में शरीक नहीं होंगे तो किसकी खुशी में शरीक होंगे? क्यों जाएंगे? चुप करो तुम, चुप करो। हाँ, बारात में आप दोनों ने बड़े बनकर ही हमारे साथ जाना है। बिल्कुल, आप फिक्र ना करें, हम टाइम से पहले आएंगे। और देखो घर में दूल्हा आया हुआ है, कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करो। बस कर दे मतीन के अब्बा, हम इनके लिए नमाजें पढ़े और हमारी जान नमाजें जलाए। वाह वाह वाह, मैं तो नहीं बनाने वाली। राबी बेटा चाय बनाओ जरा। हाँ, हमारी गाड़ी ठीक हो गई? नहीं हुई। उस्ताद को जाने ना देना। आ रहा हूं मैं, हर दूसरे दिन आके ये पैसे ले जाता है, मैं बात करता हूं इससे। हाँ आ रहा हूं मैं अभी। चाय। शादी को 1 हफ्ता गुजर गया, पता ही नहीं चला। खुशी वक्त का एहसास भुला देती है और हम हमेशा ऐसे खुश रहेंगे। चलता हूं। अच्छा अम्मी, मैं जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए तो बता दे, मैं वापसी पे ले आऊंगा। नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ये जाते हुए ना बैग राबी की तरफ देते जाना, उसकी कुछ चीजें इधर रह गई थी, मुझे तो जाने का वक्त ही नहीं मिला। ठीक है, तुम्हें कुछ चाहिए? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, जीते रहो। कपड़े अच्छे बनाती हैं आप, तुम्हें पसंद आए हैं तो अच्छी बात जी। वैसे राबी की सास बहुत अजीब सी खातून है। क्या मतलब? 1-2 बार मुलाकात हुई उनसे मेरी, मिलने के बाद तबीयत बहुत बोझिल हो गई। राबी कैसे गुजारा करती होगी उनके साथ? बस बेटा, घर बसाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। राबी जैसी फर्मा बर्दारी की तवक्को मुझसे कोई ना रखे। मेरे दिल में जो होता है ना मैं कह देती हूँ, दिल में कुछ नहीं रखती, मुनाफकत नहीं है मुझ में। मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, आप पियेंगी तो बनाऊं? हाँ पी लूंगी। कितना टाइम लगेगा इसमें? आधा घंटा लगेगा भाई। जल्दी कर दे भाई, जाना है मुझे। आधा घंटा लगेगा भाई, अभी पॉइंट साफ हो रही है। हाँ बोलो। आ रहा हूँ, गाड़ी खराब हुई खड़ी है, मुसीबत ये कभी ठीक हो तो जिंदगी आगे चले ना। हाँ ले आऊंगा, रखो फोन। पता नहीं ये कंपनी वाले कैसे कहीं का कहीं भेज देते। 2 दिन हो गए हैदराबाद गए, वापसी का खबर ही नहीं। 3 दिन बड़े दिन गिने में भाई। अच्छा खैर, बाबा जी कह रहे थे इस पानी में बहुत जायका है, जिस दिन महसूस हो गया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब ऐसे क्या करें भाई, नुकसी बहुत। वाशो ये बात अगर तुमने मतीन को बताई ना वो तुम्हें इस इलाज से मना कर देगा, रह जाओगी भांज की भांज, कोई फायदा नहीं होने। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। शाबाश, कुछ ही दिन की बात। इस पानी से लगा लगा के रोटी खाते हो, हमारा मसला हल हो जाए। हमारा क्या फायदा, तुम्हारा ही फायदा है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। राबी ये तुम पानी से रोटी खा रही हो, क्या हुआ? फूफो क्या बात है, ये आपके सामने पानी से रोटी खा रही है? क्या हुआ, क्यों डर रही हो भाई से? भाई है अपना, बताओ। वो क्यों पहेलियां बुझवा रही हैं, आप बताएं क्या है ये, कैसा पानी है ये, बताओ मुझे। अरे जो हरकत इसने की वो तुम्हें क्यों बताई? इसने मुझे कहा कि अम्मा किसी ताबीज वाले के पास लेके चलो, बाबा गैर के पास। इसको यकीन है ना ताबीज गंडों पे, कितना यकीन करती हो तुम इन सब बातों। कैसे बताए तुम्हें वो, कितनी मुश्किलों में तुम्हारी बहन, भांजपन का इलाज हो रहा है इसका। करने दो, मैंने भी इजाजत दे दी। भाई के सामने खाओ, कोई बात नहीं। मैंने वाला खिला दिया तो शाबाश शाबाश। अरे बहन ठीक हो जाएगी, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। खा बेटा, खा खा खा, शाबाश। तो असर ही कुछ और होगा। बैठो बैठो। चाय पी लो बेटा। अल्लाह खा लो। शाबाश। और घर में सब खैरियत है? अम्मा ठीक है? जी। अरे मतीन भाई, मैं आप ही के पास यार। अरे वाह भाई, ये किस खुशी में मिठाई बन रही है? मेरी माशाल्लाह से बेटी हुई है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मतीन भाई, आपकी भी तो शादी को 1 साल हो गया, मगर आपने कभी कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। अरे भाई, ये तो मिठाई खिलाने के डर से हमें कुछ बता ही नहीं रहे। अपने कदम यहीं रोक लो रुई, कि मोहब्बत बहुत जलील करवाती, ना मरती है ना मारती, बस लटकाए रहती। ये तुम कह रही हो राबी? तुम जो कहती थी कि जिंदगी मोहब्बत के बगैर जोहर में लगा एक फूल है। मुझे अब समझ आ गई, जोहर में लगे फूल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन टहनी में लगे फूल को तोड़ दिया जाता है। कभी गुलदान में सजाने के लिए तो कभी कमर पर डालने के लिए। कैसी बातें कर रही हो राबी? मतीन भाई तो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, कहीं वो नसीम फूफो की वजह से तो परेशान नहीं? तुम तो बहुत बहादुर थी, आखिर तुम किसी को बताती क्यों नहीं जो मुझको तुम्हारे साथ कर रही हैं? सारे घर वालों ने मुझे समझाया था कि पप्पू मेरे साथ वो ये सब करेंगे जो भी कर रही हैं। किस मुंह से जाऊं वापस उनके पास ये कहने के लिए कि वो सही कह रहे थे? लेकिन यार, कम से कम मतीन भाई को बताओ ताकि वो पप्पू को समझाएं और उन्हें कंट्रोल करें। मोहब्बत के झांसे सब शुरू के होते हैं, बाद में सब बदल जाते हैं। सिर्फ मतीन को नहीं देखा था कैसे बदगुमान हो गया था। लेकिन सरदाउद बिल्कुल ऐसे नहीं है। वो क्या तो राज़ो न्याज़ हो रहा है भाई? वो पप्पो कुछ नहीं, वो बस 2 सहेलियों की आपस की बातें। तुम्हारी पप्पो कब से हो गई? राबी, मैं जा रही हूँ, फिर आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। पसंद तो तुम मुझे कभी से नहीं थी, और अब तो बिल्कुल एक आंख नहीं भाती। हाँ, औलाद हो जाए तो दूसरी बात, वरना अपना पत्ता साफ ही समझो। क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हो। ये जो मोहल्ले वालों से बातें कर रही हो ना, ये कुछ ठीक नहीं है। परहेज नहीं कर सकती, इलाज नहीं करवा सकती मेरी तरफ से, कोई बात नहीं। औलाद के और बहुत से तरीक़े आते हैं। मुझे बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। पानी से? क्यों भाई, घर में ऑमलेट सालन कुछ नहीं था? पूछा नहीं तुमने? पूछा था मैंने, फूफो कह रही थी पीठ ने सालन से मना किया है, मिर्च मसाले से परहेज रखा है मैंने। अम्मी सबसे पहले बिरयानी आप ट्राई करें। हाँ बेटा। अब बताएं कैसी बनी है? ये कौन सा पीर है? आपने पूछा नहीं राबी से कब से इलाज चल रहा है? सारा पूछा था, नसीम ने कोई पीर ढूंढा है। पहले तो उसने सब्जियां और गोश्त मना किया था, अब दालें भी मना करती होंगी। देखा नहीं राबी का चेहरा कैसे उतर गया और आंखों के नीचे हल्के देखें कैसे पड़ गए उसके। तो अम्मी हम राबी को यहाँ ले आते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेंगे। मुझे तो ये पीर कोई फ्रॉड लग रहा है। मतीन माने तब ना। खैर मैं करती हूँ बात मतीन से, इस तरह से उधर रख कर उससे मारा नहीं जा सकता। अम्मी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पीरों के इलाज ऐसे ही होते हैं। मेरी एक कज़न थी, उसको भी यरकान हो गया था, तो उसने इलाज करवाया और आज वो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। 3 बच्चे हैं उसके, उसको वहीं रहने दे अपने शौहर के पास। फॉरवर्ड ठीक कह रही है, उसका इलाज चल रहा है, उसका वहाँ रहना बेहतर है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, आप परेशान ना हो। बहुत मजे की बिरयानी है। थैंक यू। अम्मी आपको कैसी लगी? हाँ बहुत अच्छी है बेटा, अच्छी बनाई। अम्मी मैं जा रही हूँ, मेरी कुलीग की फेयरवेल है तो थोड़ी सी आने में देर हो जाएगी। चलो ठीक है, अगर ज़्यादा देर हो जाए तो मुझे बता देना, मैं इकबाल को भेज दूँगी। ठीक है। सारा तुम्हारी यूनिवर्सिटी में मेल स्टाफ भी है ना? जी मगर आप क्यों पूछ रही हैं? वैसे ही रियाज भाई तो है नहीं और इतनी तैयारी पता नहीं किसके लिए है। खैर मैं तो ये कहने आई थी कि अम्मी की तरफ जा रही हूँ मैं। इकबाल और मैं लंच वहीं पे कर लेंगे, तो आज हमारे लिए मत बनाइएगा। अल्लाह सारा, सारा, सारा क्या कर रही? तुम पागल हो गई हो सारा। सारा मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, इसलिए तुमसे कहती हूँ बेटा कि कोई फैसला कर लो। दुनिया की जबान छुरी से ज्यादा तेज होती है। अम्मी मैं मर क्यों नहीं जाती? मत करो ऐसा, मत अपनी माँ का कलेजा नोचो। अल्लाह तुम्हें मेरी उम्र भी लगा। दफा करो उसने जो भी कहा। तुम जाओ, और तुम ऐसे ही जाओगी जिस तरह से तैयार हुई। मैं कह रही हूँ ना तुमसे। क्या हुआ? इतनी बुझी क्यों लग रही हो, जैसे इसे कुछ खा नहीं रही? खाना सही से। तुम नहीं थे ना शायद इसलिए। प्यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है, प्यार मेरा जुनू है। मजनू है, ये दीवानगी है आशिकी।